हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनानी है, किसी के कहने पर नहीं आना। यहाँ पर केवल सीखना है और नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में साफ बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पता लगाए कि हाँ, इस कंपनी से हमें एग्जिट कर देना चाहिए और इस कंपनी से हमें एंट्री करनी चाहिए। और ये मैंने हमेशा देखा है, वो मैं आपको बार बार बताता भी हूँ, बट अगेन आज मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर आया हूँ। आज के दिन में मैंने वो किया और वो सक्सेसफुली यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता हुए नजर आया। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तब आपको इस तरीके की वीडियो मिले। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और हमारी यहाँ पर सर्विस चाहिए तो पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर डब्ल्यू ब्रांड से रिलेटेड, यहाँ पर TCNS क्लोथिंग से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी, 791 पे शेयर था। और यहाँ पर आज के दिन में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। और आज के दिन में ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया अच्छा खासा, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ से एग्जिट हो गया हूँ। बट यहाँ पर अगेन ऊपर जाने के बहुत सारे चांसेस है, तो लेट्स सी क्या होगा। बट आगे की वीडियो बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एग्जांपल के थ्रू कि मार्केट में हम एग्जिट कब लेनी है, पोजीशन को हमें अपनी एग्जिट कब करना है, ओके हमें निकालना कब है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी शेयर लेने से पहले अपने यहाँ पर एक देखिए कि शेयर अच्छा है कि नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है या नहीं है, और उसके बाद ही आपको यहाँ पर कुछ भी डिसाइड करना चाहिए। देखिए, मेरे पास दो शेयर थे आज आईटी के, ए मेरे पास मास्टेक भी था और मेरे पास एम्फैसिस भी था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फैसिस भी था, मास्टेक भी था। और आज जब मैं यहाँ पर मार्केट देख रहा था तो निफ्टी 50 मुझे यहाँ पर दिख गया था, जब ऊपर ही ऊपर यहाँ पर था तब यहाँ पर दिख गया था कि यहाँ पर आज की दिन में गिरावट होने वाली है। और ये गिरावट थोड़ी सी और बढ़ने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी रिकवरी होती हुई नजर आई, बट इस रिकवरी से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक गिरावट नजर आती है। 16480 तक ये शेयर आता हुआ निफ्टी गिरता हुआ दिखाई देता है, और शायद अगर इसे भी क्रॉस कर देता है तो एक गिरावट और होगी और अगेन ये निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 16000 के आसपास, 16200 के आसपास। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन साफ नजर आता है और ये अगेन यहाँ पर ऊपर ले जाके फिर यहाँ पर नीचे, क्योंकि गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग यहाँ पर खरीदे, यहाँ पर फंस जाए, फिर यहाँ पर गिराया जाए। तो इस तरीके का माहौल चल रहा है। इस तरीके के माहौल में जो हमारे टारगेट होते हैं, मैंने कुछ स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया है। जो मैं 20% या 30% के पीछे पड़ता था वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में थोड़ा सा अगर 10% 12% 11% 8% 9% इस तरीके के भी अगर रिटर्न मिल जाते हैं तो काफी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। और फिर उसके बाद जब मार्केट भागने लग जाएगी तब हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं काफी नीचे देख रहा था, ऊपर जा रही थी नीचे जा रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें, मैंने काफी स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग भी करी है और यहाँ पर कुछ चीज यहाँ पर दिखाई देती है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर बिहेव किया है। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हमें देखना है कि एग्जिट कहाँ पर करना है, कैसे नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टॉक्स है आप यहाँ पर देखिए और हमेशा याद रखिए, जब भी एक एक यहाँ पर कैंडल बनती है, यहाँ पर जब इस तरीके की रेड कैंडल बन जाती है ना ऊपर जाके, एक जहां पर भी आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिए आपकी ब्लू कैंडल थी भागती भागती नजर आ रही है, और भागती भागती यहाँ पर नजर आने के बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो यहाँ पर क्लोज कहाँ पर होती है, रेड कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आती है आपके नीले उसमें, यहाँ पर याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ओके, और रेड कैंडल बनती जा, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। ये सिंपल एक सिग्नल है कि हमें आपसे पोजीशन लेनी है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल जो क्लोजिंग थी, ओके, जो ओपनिंग थी यहाँ पर ऊपर ऊपर की तरफ हुई और फिर उसके बाद नीचे गया, तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर एग्जिट करना है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी आज के दिन में बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके, यहाँ पर जो ओपनिंग थी ऊपर हुई, ऊपर होने के बाद यहाँ पर जो इसकी ओवरऑल यहाँ पर ये ग्रीन रेड कैंडल ऊपर जाती हुई दिखाई थी और इसके बाद यहाँ पर नीचे जाती हुई बंद हुई है यहाँ पर कैंडल। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट का यहाँ पर हमें पता लग जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स में देखा है इसी तरीके का बिहेव करके चीजें ऊपर नीचे यहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर एक दिन में ही डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर चीजें ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। आपके जो स्टॉक्स
प्रॉफिट में है, इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल के यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करूंगा, दोनों आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स है। निफ्टी आईटी को भी साथ साथ देखना है। यहाँ पर निफ्टी आईटी मैंने यहाँ पर चेक किया, निफ्टी आईटी में यहाँ पर एक बड़ा सा, यहाँ पर देखिए लगभग 2.5% की गिरावट थी, 980 अंक ऊपर था, गिरा हुआ था। तो देखिए इसी तरीके निफ्टी 50 में जैसे चार्ट पढ़ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दिया और एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखाई दी। तो इसके बेसिस पर पता चल गया कि आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर एक अगेन गिरावट होने वाली है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट जो ऊपर गई थी, तो इस प्रॉफिट को हमें यहाँ पर बचा लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें मास्टेक, तो मास्टेक यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक राउंडिंग राउंडिंग बॉटम बनाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का चार्ट पैटर्न कुछ नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मास्टेक को मैंने बिल्कुल नहीं टच किया, मैं पहले बता देता हूँ, मास्टेक को यहाँ पर टच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, सीधे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। जब इस तरीके की कैंडल दोबारा बन जाएगी और ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए मैं यहाँ पर इसके आसपास आ जाएगा 3300 के आसपास, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा यहाँ पर अगेन इस पर्टिकुलर शेयर में। बट यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, तो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है फिर तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर जिस दिन भी रेड कैंडल इस तरीके से बन जाती है, ओके, जो कि ऊपर बनती हुई नजर आ रही है, एक दो दिन कंसोलिडेट करके यहाँ पर गिर सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकता है ये चीज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3-4 दिन कंसोलिडेट हुई, फिर ग्रीन कैंडल ही बनी, बट स्टिल यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है शेयर। इस तरीके से एम्फेसिस में, मास्टेक तो यहाँ पर नहीं बेचा, बट एम्फेसिस की बात करें तो एम्फेसिस में यहाँ पर साफ दिख गया था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट होने वाली है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल इसी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। जब भी इस तरीके की रेड कैंडल बन जाती है ना, तो यहाँ पर देखा है, देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ये गिरावट हुई, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, ये गिरावट हुई, यहाँ रेड कैंडल बनी, ये गिरावट हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बेच के यहाँ पर खरीदना नहीं है, ये स्टॉक ही बेकार हो गया, ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसे यहाँ पर खरीदना है। बट यहाँ पर खरीदने का एक टाइम आएगा, तो हम यहाँ पर दोबारा बाइंग करेंगे। बट इस टाइम यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही है, जो ये रेड कैंडल बनी है बड़ी सी, इसी सीधे इंडिकेट कर रही है कि भाई यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ से आज की डेट में एग्जिट किया गया है और ऑन सही टाइम पे ही एग्जिट किया गया है। ओके, यहाँ पर ऊपर के लेवल पर ही यहाँ पर जब बन रही थी कैंडल, तब यहाँ पर एग्जिट ले लिया गया था। तो इंफोसिस इसी तरीके से बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट में भी यहाँ पर दिख गया था कि यहाँ पर देखिए पूरा एग्जिट बिल्कुल टाइम पे आप यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर एग्जिट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यही कैंडल बन गई थी कि जो बता रही थी यहाँ पर गिर सकता है शेयर, बट स्टिल यहाँ पर 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही थी और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। आज उसने एक कंफर्मेशन और दे दिया कि यहाँ पर भाई हो गया है, अब ये चीजें और नीचे आएगी, तो यहाँ पर 380 तक दोबारा चीजें आ सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बिरला सॉफ्ट में भी इसी तरीके की कैंडल बन रही थी, तो मैं यहाँ से भी मैंने एग्जिट यहाँ पर ले लिया। तो इसी तरीके से एक और कैंडल थी TV18 में, यहाँ पर से एज इट इज एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी, बट यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा 30% का प्रॉफिट ऑलरेडी बन रहा था, नीचे की लेवल पर बैठे हुए थे, काफी बार यहाँ पर नीचे की लेवल पर वीडियो ही बनाई है। यहाँ से बस चांसेस यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी तरीके की कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल बनने का थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी। अगेन यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होगी तब मैं इसमें एंट्री लूंगा, क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन शेयर है, बट और इसमें थोड़ी बहुत गिरावट 10-15 यहाँ तक भी आ जाता है फिर एंट्री लेंगे, तो यहाँ पर 15 से 20% का प्रॉफिट इसी बीच में बनता हुआ नजर आएगा। अब इसी तरीके से थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेके हमें यहाँ पर एंट्री और एग्जिट करनी है, तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी किस तरीके से यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। TCNS में आज इसी तरीके से यहाँ पर 20% का प्रॉफिट बन रहा था, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी, 20-21% का प्रॉफिट बना। ओके, यहाँ पर कैंडल ग्रीन है। ओके, यहाँ पर चीजें मुझे अभी और ऊपर जाती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर RSI ये सब चीज है और शेयर यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में ही बंद होता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आती है, बट अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था और ना प्रॉफिट नहीं लेते और चुपचाप एग्जिट कर लेते, ओके, तो फिर वो नीचे कभी चीज आ जाती है तो फिर वो अफसोस होता है कि यहाँ पर ऐसे पैसे चले जा रहे हैं फालतू में, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। बट यहाँ पर मैं कभी भी दोबारा एंट्री ले सकता हूँ एज पर कल का चार्ट देख के कि निफ्टी में क्या हो रहा है उसे देख के, तो यहाँ पर दोबारा मैं एंट्री ले सकता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन था, तो प्रॉफिट बुक यहाँ पर कर लिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसके टारगेट बताए गए थे। ओके, यहाँ पर सब चीज आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था, तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे मास्टेक हो गया, तो मास्टेक में एग्जिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मास्टेक यहाँ पर एक राउंडिंग राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है और इस तरीके की कोई कैंडल बनती हुई नजर नहीं आ रही जो इसे गिरावट की संकेत दे। एज इट इज बात करें एम्फेसिस, ओके, ये कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं है,
हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपको चीजें बताएगा कि हाँ हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। मेरे यहाँ पर काफी सारे प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक करते करते रह गया हूँ, इस चीज से मैंने यहाँ पर सीखा है। तो इस हमें अपनी गलतियों से सीखना है, याद रखिए हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिरला सॉफ्ट मैंने सबका सेल करवा दिया, जितने भी लोग थे इस लेवल पर। ओके, जब यहाँ पर ऊपर था बट मैंने अपना सेल नहीं किया और यहाँ पर अब सेल कर रहा हूँ, याद रखिए। तो ये एक गलती मेरी भी थी, तो मैं इससे अपने आपको लाइव बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में इसी तरह की कैंडल बन गई थी, बार बार मुझे लग रहा था एग्जिट करना चाहिए एग्जिट करना चाहिए, बट मैं एग्जिट नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। ओके, तो अब यहाँ पर इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है और चीजों को समझना है। यहाँ पर बीच में फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया था बट स्टिल यहाँ पर नीचे चल रहा है शेयर, ने यहाँ पर सही टाइम पे यहाँ पर एग्जिट ले लिया था। तो चीजों को समझेंगे तो यहाँ पर हमारा पैसा अच्छा खासा बनता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर एंट्री लेने का टाइम आ गया है इसमें, बट कोई नहीं, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हो क्या कहना चाहता हूँ कि मास्टेक में हमने एग्जिट क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, RSI यहाँ पर फेवरेबल है एज वेल एज यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद या तो ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर चीजें नीचे आती दिखाई देगी। बट इंफेसिस में यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन गया था, यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल बन गई थी, इसलिए यहाँ पर हमने एग्जिट लिया। बी सॉफ्ट की बात करें, बी सॉफ्ट में भी इसी तरीके से यहाँ पर एग्जिट लिया है। TCNS और हम बात करें TV18, TV18 और TCNS में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है, बट स्टिल यहाँ पर हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो इसकी तरफ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की गई है और कुछ नहीं किया गया है यहाँ पर, और बाकी चीजें देखी जाएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। यहाँ पर इस वीडियो हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, हमें सपोर्ट करना है और हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर आपको जितना हो सके यहाँ पर प्यार देने की कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।